विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एग्जांपल है, सॉल्व करना है। तो गिवन है x टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 5। तो हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन, तो गिवन क्या है, x टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर 5 है। तो 3 टू द पावर ऑफ 5 का वैल्यू क्या बनता है, 3 टू द पावर ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 243, क्योंकि 3 × 3 × 3 × 3 × 3 9 × 9 × 3 81 × 3 तो 243। ओके, तो x टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x प्लस 243, ये लिख लो। अभी ये बन गया a टू द पावर ऑफ m प्लस n के हिसाब से, तो इसे हम a टू द पावर ऑफ m इंटू a टू द पावर ऑफ n, जो प्रोडक्ट रूल है, इन एक्सपोनेंशियल का प्रोडक्ट रूल यहाँ पर अगर अप्लाई किया तो ये बनता है x टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ x इंटू 3 टू द पावर ऑफ 243। ठीक है, तो ये 3 टू द पावर ऑफ x इसके नीचे लाओ तो x टू द पावर ऑफ x, नहीं तो 3 टू द पावर ऑफ x से ये दोनों को डिवाइड कर दो, 3 टू द पावर ऑफ x दोनों साइड 3 टू द पावर ऑफ x से, तभी ये क्या बनता है, ये चले जाएगा x टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ 243 यहाँ पर रहेगा। तो ये क्या बनता है, यहाँ पर ले लेंगे x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 243। तो इस इक्वेशन को x बाय 3 टू द पावर ऑफ x इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 243 ये बन गया। तो इसे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 1/3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्या बनते हैं, 1/3 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो x इंटू टू द पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ 243 टू द पावर 1/3। तब ये क्या बनते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट पावर यूज कर दो इधर, तो एक बनता है x बाई 3 टू द पावर x बाय 3 ही बनता है। ठीक है, x बाई 3 टू द पावर x बाई 3 बनता है, दिस इक्वल्स 3 टू द पावर 243 इंटू 1/3। तो यहाँ पर क्या बनता है, तो 3 टू द पावर 3 से अगर मल्टीप्लिकेशन किया, एक इसको डिवाइड किया, 3 टू द पावर 81 बनता है। तो हम इस 81 को कैसे लिखते हैं, दिस इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 27 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ 3, ओके 3 टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ 27 हो गया। तो x डिवाइडेड बाय 3 होल टू द पावर x बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर 27। तो ये क्या बनते हैं, x टू द पावर ऑफ 3 होल टू द पावर ऑफ x बाय 3 इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3 मीन्स 27 और होल टू द पावर ए आल्सो 27। तो अभी देखो, a टू द पावर ऑफ x इक्वल्स b टू द पावर a टू द पावर ऑफ y अगर रहा तो हमें मालूम है x टू द x इक्वल्स y होता है। तो इसके हिसाब से x टू द पावर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 27 बनता है, क्योंकि x टू द पावर ऑफ इक्वल 27 ही है, x टू द पावर ऑफ इक्वल्स पावर में भी 27 है। देयरफॉर ये x इक्वल्स 27 इंटू 3, x इक्वल्स 81। ओके, तो हमें x का वैल्यू यहाँ पर क्या आ रहा है, 81 इज द करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।